कमले लपेटी हुई है और दिस इज ए टॉयलेट हियर। आप देख सकते हैं ना कोई दीवार है, ना कोई सेफ्टी है, सांप बिच्छू पूरा जंगल है दोस्तों ये एरिया। ये बजरंगबली जी का मंदिर है और ऊपर देखिए आप, ऊपर कोई छत नहीं है, पिलर नहीं है। आप इस मंदिर का हाल देखिए, खस्ता बहुत बढ़िया। हम तो कहते बेटवा बहुत आशीर्वाद मिले आपको, भगवान के उम्र भी भगवान के आपके लग जाए इतनी हो कि ये बुजुर्गों के लिए या बच्चियों के लिए जो बन रहा ना महिला के लिए बहुत अच्छा बात है, ऐसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। उस दौरान हमें मदद मिली, संस्थाओं ने मदद करी, सरकार की तरफ से मदद करी, हमें फ्री राशन मिला, हमें खाना मिला, कम्बले चीजें घर का सामान फैन ये सब। इस चैनल को लाइक करना चाहिए हर हिंदू को, ठीक है, हर बच्चों को, क्यों सबको सुविधा भी मिल रहा है। जितना बच्चों से हिंदू बच्चों से मैं कहती जितना हो सके इसको चैनल लाइक। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि आप जो ये हेल्प करते हो, जो ये चीजें आप लोगों को देते हो, जैसे सामान हो गया, घर का राशन हो गया, ये चीजें मत दो, आप इनको कारोबार में लगाओ, आप इनको काम दो, तो आप इनको ये फ्री की चीजें लेने की आदत मत डालो। दोस्तों इस विषय में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, हमारे देश में बहुत सारी फ्री स्कीम्स हैं, जैसे दिल्ली में देख लो बसें फ्री हैं लेडीज के लिए, बिजली पानी में छूट है, और सरकार दोस्तों देश में इतनी सारी स्कीम है, राशन फ्री मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 50% से ज्यादा तो हमारे देश में आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो कहीं ना कहीं फ्री स्कीम्स तो ऑलरेडी इन प्लेस है, तो हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। और देश में दोस्तों या दुनिया में दोस्तों इतनी सारी कंट्रीज है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज होगी, चाहे क्रिश्चियन कंट्रीज होगी, जो इसी पर ही आधारित है, जो फ्री स्कीम्स पर ही आधारित है, और वो सपोर्ट करते हैं और ऐसी फैमिलीज को जो 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 वनरेबल जो 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 फाइनेंशियल जिनका स्टेटस बहुत डाउन होता है, उन फैमिलीज को सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस को यूज करके उनको फिर कन्वर्ट कर देती। इसी वजह से लाखों ने करोड़ों लोग हिंदू रिलीजन से कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन में गए हैं, और हमें ये एक भ्रांति पढ़ाई जाती है या एक ऐसे एक मिथ हमें पढ़ाया जाता है कि आप ना सिर्फ रोजगार पर फोकस करो, अपने पैर पे इनको खड़ा करो, आपको ये फ्री की चीजें मत दो। दोस्तों मैं आज इस स्टेटमेंट का पूरी तरीके से खंडन करता हूं, ये बकवास स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं। दोस्तों हमारी कम्युनिटी जैसे कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी है, हम 100% एजुकेटेड कम्युनिटी है। दोस्तों हमारे में ऐसा कोई भी नहीं है जो ग्रेजुएशन से जिसने कम पढ़ाई करी हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ऐसा कोई भी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन उससे ऊपर भी पढ़ाई बहुत सारे लोगों ने करी है, लेकिन ग्रेजुएशन तो मिनिमम है, मस्त है, जो हमारी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। इतनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होने के बावजूद जब हम 90s में हमें अपना सब कुछ छोड़कर ये भारत के अलग अलग राज्यों में जाना पड़ा, कश्मीर छोड़ के, तो हम बिल्कुल मजबूर थे। अगर आप ये वाली थ्योरी हम पर अप्लाई करते कि हमें अपने पैर पे खड़ा करें या हमें काम दिया जाए, तो हमारे पास तो काम पहले से ही था, हमारे पास तो बिजनेस थे, खेती थी, अपना काम धंधा सब कुछ था, वो तो हमसे छीन लिया गया, यहाँ तो हमसे छूट गया, तो अब हम क्या करें? क्या हम आकर मजदूरी करते? क्या हम क्या करते? तो वो स्टेट ऑफ जो हमारा वो माइंड था वो करीब 2-3 साल तो बिल्कुल डिस्टर्ब रहा। तो उस दौरान हमें मदद मिली, संस्थाओं ने मदद करी, सरकार की तरफ से मदद करी, हमें फ्री राशन मिला, हमें खाना मिला, कम्बले चीजें घर का सामान फैन ये सब चीजें बेड मिले हमें। दोस्तों मैं खुद ऐसे लाइंस में खड़ा रहा हूँ जहां पर कोई राशन दे रहा है, कोई बेड दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, कोई पंखा दे रहा है, कोई घी दे रहा है, तो ऐसी चीजें दोस्तों मैं खुद रहा हूँ। तो उस टाइम पर जब आपसे कोई चीज छीनी जाए, आप गरीब नहीं है लेकिन आपसे आप किसी ऐसी परिस्थितियों के कारण, प्रोसिक्यूशन के कारण या थ्रेट परसेप्शन के कारण आप अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको तो सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही अगर आपको बचा कर रखना है, नहीं तो आप एज ए कम्युनिटी तो पेरिश हो जाओगे। तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, जो पाकिस्तानी हिंदू परिवार भारत आते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं, उनको हम सिर्फ यहाँ पर आए और हम उनको काम पे लगाएं, मजदूरी करने लग जाएं, अगर उनके घर में बच्चे भूखे हैं, उनके पास सामान नहीं है, उनके पास दोस्तों पंखा नहीं है, उनके पास झुग्गी नहीं है रहने को, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो ये तो एक हार्श ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ एक ऐसा एक रूखा व्यवहार हो गया, जिस वजह से अगर हम ऐसा व्यवहार करने लग जाएं तो ये कम्युनिटी तो भारत से तो इनको कुछ प्यार नहीं होगा, क्योंकि भारत में तो हम इनको सख्ती मुसीबतें ही दे रहे हैं, तो इस मुसीबत इनको ना दें और इनको हम थोड़ा सहारा दें, इसलिए हम ये सामान देते हैं।
और पूरी दुनिया ये करती है, भारत सरकार करती है, देश दिल्ली की सरकार कर करके ऐसे वोट ले रही है। तो ये दोस्तों ये तो कारगर तरीका है और ये अप्लाई करना चाहिए। सोसाइटी अगर ये चीज़ अप्लाई करती है तो सारी सोसाइटी संगठित होती है। ऐसा नहीं है कि आप इनको आदत डलवा रहे हो लेकिन आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट अ फ्री आर्म्स, आप उनको फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनली सपोर्ट दे रहे हो, फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हो। उसके बाद ऐसी फैमिलीज दोस्तों स्ट्रेंथन होती है, अपने पैर पर खड़ी होती हैं और आपके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक ऐसा सपोर्ट नेटवर्क है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो सपोर्ट सिस्टम दोस्तों उनको कभी गिरने नहीं देगा। आइए आपको मैं दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ। ये जो चीज आप देख रहे हैं सामने, वो जो आप सामने देख रहे हैं, आइए वहां पर चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों हम ऐसे एक्टिविटीज क्यों करते हैं और क्यों ये हमें दोस्तों ये सिखाया जाता है कि नहीं सिर्फ फ्री में कुछ मत दो। इस चीज के पीछे भी बहुत बड़ा राज है, ये मैं आपको राज आप समझाऊंगा आपको दोस्तों। दोस्तों ये देखिए कमले लपेटी हुई और दिस इज ए टॉयलेट हियर, आप देख सकते हैं ना कोई दीवार है ना कोई सेफ्टी है, सांप बिच्छू पूरा जंगल है दोस्तों ये एरिया पूरा सांप बिच्छू, कोई पानी नहीं है यहाँ पर एंड दिस इज ए टॉयलेट। और ये टॉयलेट किसका है दोस्तों ये जानकर भी आपको हैरानी होगी। आइए दोस्तों आइए मैं एक चीज आपको और दिखाऊं, ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में ये बजरंगबली जी का मंदिर है और ऊपर देखिए आप, ऊपर कोई छत नहीं है, पिलर नहीं है, आप इस मंदिर का हाल देखिए, खस्ता हाल है, पूरा टूटा हुआ है ये मंदिर। ये यहाँ पर हमारा मंदिर है दोस्तों, ये बजरंगबली का मंदिर है। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों एक और मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है ये दोस्तों। देखिए मंदिर का हाल देखिए कैसा है, पूरा ऊपर से कोई छत ही नहीं है और पूरी कोई भी ऐसी यहाँ मेंटेनेंस नहीं है। ये हमारे मंदिर है दोस्तों हिंदू समाज की, क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो ये भ्रांतियाँ हमें सिखाई जाती है कि एक दूसरे की मदद मत करो, पैर पर खड़े होने दो और सपोर्ट करने दो, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों ये तब तक नहीं काम करेगा जब तक हम इस चीज को न समझ जाएं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, हर लेवल पे हेल्प करनी है। जब हम हेल्प करेंगे तो हम एक दूसरे को एनकरेज भी करेंगे कि भाई अब आपको हेल्प बहुत हो गई है किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए, अब आप अपने पैर पर खड़े हो, अब आप दूसरे परिवार की मदद करो। क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसे ही चलती है, इसीलिए उनका पूरा स्पेशली एक वेटिकन बना हुआ है जो ये मेक श्योर करता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को हर जगह सपोर्ट मिले। अपनी कम्युनिटी को तो अच्छे से चलाते हैं, बाकी रिलीजन में भी कन्वर्जन कर रहे हैं, जैसे हमारे धर्म में यहाँ से भी बहुत सारे लोग कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहे हैं या और धर्मों में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका ये सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। और हमें डिस्करेज करा जाता है कि हम ऐसा सपोर्ट सिस्टम ना बनाए, हिंदू समाज ना बनाए, बस पैर पे खड़ा हो रहा, पैर पे खड़ा हो, किसी की मदद मत करो, किसी का और अक्सर किसी को अपने हाल पर छोड़ दो। दोस्तों आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है लेकिन मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, पढ़े लिखा समाज है हमारा, हमें भी राशन की जरूरत थी एक टाइम पर, हमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, हमें भी कंबलों की, फैन की, कुछ पंखों की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी एक टाइम पर। वो जो चीजें हमें उस टाइम मिली वो हमें अपनी कमाई से खरीदनी नहीं पड़ी, हमने जो कमाई करी थोड़ी बहुत उस टाइम पर वो हमने और चीज में यूटिलाइज करी, अपनी एजुकेशन में यूज करी, अपने बच्चों का आगे बढ़ाने में यूज करी, आप अपनी मेडिकल चीजों में यूज करी, लेकिन वो हमारा तो खर्चा बच गया ना। आप इस चीज को समझें दोस्तों, वो जो मैंने आपको बाथरूम दिखाया, दैट जो पर्दे वाला बाथरूम था, वो दैट बाथरूम वॉज ऑफ ऑफ जो 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 हम अभी जहाँ घूम रहे हैं, दिस इज अ गौशाला। जैसे मेरे इधर भी आप दोस्तों गायें देख रहे हैं, ये गौशाला यहाँ पर, तो गौशाला जो रन करती है, आपने वीडियोस हमारे देखी होंगी, माताजी रन करती हैं, उन माताजी का वो प्रीवियस बाथरूम था, बाबा जो प्रीवियस बाथरूम है माताजी, आपने उस बाथरूम की कंडीशन देखी, शायद आप उस बाथरूम में कभी उसको यूज करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि कोई पता नहीं पीछे से कोई सांप आ जाए, कोई बिच्छू आपको काट ले, पानी नहीं है वहां पर। आप इमेजिन करिए एक बुजुर्ग महिला उसको कैसे यूज करती होंगी, वो तो दिन का टाइम है दोस्तों, रात में कैसे यूज करती होंगी। अब हमने माताजी के लिए दोस्तों ये बाथरूम नया बनवाया है, पक्का बाथरूम, फर्स्ट टाइम हमने, नहीं तो हम लोग वो जैसे वो जुगाड़ू बाथरूम बनाते हैं दोस्तों, ये पक्का बाथरूम बनाया हमने हिंदू सम्मान फाउंडेशन का दोस्तों, हमने यहाँ पर लोगो भी लगाया है। और दिस बाथरूम दोस्तों ये देखिए पूरा परफेक्ट बाथरूम है, विद शॉवर एंड विद इंग्लिश सीट माता जी के लिए उनके रिक्वेस्ट पर, इसमें टाइल्स भी लगी हुई है दोस्तों। ये जो बाथरूम है, ये बाथरूम का जो सहयोग है, ये घनश्याम जी की तरफ से, और मैं घनश्याम जी और उनके सारे डोनर फ्रेंड्स जो लास पाल्मा स्पेन में रहते हैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। आपकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, हम लोग बहुत एनकरेज फील हो रहे हैं, दुनिया जो हमारे वीडियोस देखती है वो एनकरेज फील हो रही है। और ये चीजें दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमारे समाज को बांध रही हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमारे समाज को ऐसे बांध रही हैं।
जब हमारा समाज बना हुआ रहेगा, संगठित रहेगा, और तब हम एक दूसरे की दुख सुख की सारी पलों को एंजॉय भी कर पाएंगे, और उसको कॉमनली हम उसको दोस्तों सेलिब्रेट भी करेंगे, और कॉमनली उसको हम डील भी करेंगे। ये दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें, आपने देखा इस बाथरूम का क्या, उनका प्रीवियस बाथरूम कैसा था और अभी ये वाला बाथरूम कैसा है, कितना अंतर हो गया। ये किस वजह से हुआ दोस्तों? क्योंकि हिंदू समाज इकट्ठा आया। आइए दोस्तों माता जी से बात करते हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों माता जी को आप सुने। बहुत हमने रेवोल्यूशनाइज चेंजेस करी हैं इस कैंप में, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हैं, एंड आई होप कि आप हमारी एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे हैं। यू फील वेरी प्राउड कि हमने यहाँ पर बहुत सारा काम करा है, बिकॉज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट हम ये काम कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा हमें कि ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर हिंदू समाज दूसरे परिवारों के लिए खड़ा है, हर पॉइंट के लिए खड़ा है, हर 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 ऐसी मुसीबत के लिए खड़ा है। और देखिए जो ये गाय माताएं हैं ये कितना सही आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोस्तों गाय भी डोनेट करी है। आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी, घनश्याम जी की तरफ से, जो स्पेन में रहते हैं और उनके और जो मित्र हैं उनकी तरफ से ये सहयोग से ये बाथरूम बना है, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं कहती हूँ बच्चे बहुत बढ़िया है, जो कि बुजुर्गों के लिए ये और महिला के लिए, लड़कियों के लिए। भाई देखो मंदिर है, मंदिर पे लड़की भी आती है, महिला भी आती है। जी जन तो एक बार बाहर चला जाता है, मगर उनको बहुत दिक्कत होती थी। जी हमारे पास हमने सीट वो बैठा रखे थे, मगर हमने बना नहीं पाई, क्योंकि यहाँ के हिसाब किताब मेरे पास अभी ढंग के नहीं है। बेटे जी बहुत बढ़िया, हम तो कहते बेटवा बहुत आशीर्वाद मिले आपको भगवान के, उम्र भी भगवान के आपके लग जाए, इतनी हो कि ये बुजुर्गों के लिए या बच्चियों के लिए जो बन रहा ना, महिला के लिए बहुत अच्छा बात है, ऐसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। अच्छा आप बताओ, आप तो सारे हिंदू संगठनों को जानते हो, हमारा संगठन हिंदू सम्मान फाउंडेशन कैसा काम कर रहा है आप बताओ? बहुत बढ़िया कर रहा है, जब से आप कम से 6-7 महीने हो गए आपको जी, हम जब से देख रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है बेटी, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत एनजीओ वाले यहाँ आए, बहुत लोग आए, मगर सब यहाँ से भग गए। जी आप हो जो कि इनको सबको अपने अंदर में ले लिए हो, सब मान भी रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं, आपको सम्मान भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप सबको बोलो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को लाइक करना चाहिए हर हिंदुओं को, ठीक है, हर बच्चों को, क्यों सबको सुविधा भी मिल रहा है और हर चीज मिल रहा है। जो सामान आप मुंह से निकाल रहे हो, जबान से निकाल रहे हो, 2-4 दिन महीना 15 दिन लेट होता है, मगर वो भी काम कर रहे। अब गर्मियों में पंखा कूलर ये जो आप दे रहे हो, कौन दिया है इनको पूछो? सीढ़िया वाला छोटी छोटी ला दिया, 4 दिन चला, 4 दिन बाद खराब हो जाते हैं, मगर ये पंखा चलते रहे हैं सब। बच्चे आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जितना बच्चों से हिंदू बच्चों से मैं कहती जितना हो सके इसको चैनल लाइक, क्योंकि बच्चे काम बढ़िया कर रहा है। बहुत बहुत बात है, ये बहुत खुशी की बात है मुझे कि आज 40-45 साल पहला बच्चा है जो मेरे पास खड़ा है। अच्छा सच में? दिक्कत में नहीं, यहाँ बहुत आए, लखपति भी आए, इतना तक क्या कि राहुल गांधी के कमांडो भी आए, जो इसके नाम है कमल किशोर भी। अच्छा कहीं कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं करा ना कोई यहाँ पे, हाँ और शासन दे दे चले जाते हैं, आश्वासन दे रहे हैं बस, और कोई काम नहीं करता। यहाँ की विधायक तक यहाँ आया हुआ है, विधायक को पता था कि यहाँ सब परेशानी है, मगर विधायक एक कुर्सी तक नहीं डाला अभी तक। कई बच्चे जितना आप करे उतना कोई नहीं करा है, मतलब हमें हम आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, रहेगा बेटे जिंदगी भर रहेगा, हम नहीं रहेंगे तब भी आशीर्वाद आपके पास रहेगा। माता जी आप भगवान करे आपको भगवान और उम्र दे। दोस्तों अभी हमारा मंथली कंट्रीब्यूशन जो हम माता जी को दे रहे हैं, ये माता जी को कंट्रीब्यूशन दोस्तों यहाँ सारे परिवार 100-100 रुपीज करके दे रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग टू माता जी। माता जी धन्यवाद। माता जी आप जरा बताओ क्या यहाँ पर खर्चा क्या क्या होता है, थोड़ा समझाओ सबको। जैसे आपने मेरे को बताया था गाय के बीमारी होती है, देखिए गाय के जैसे तबीयत खराब, बच्चा दिया है कल, गाय के बच्चा मरा हुआ निकलवाना पड़ता है जी, उसकी सेफ्टी हो जाता है, उसको ग्लूकोज चढ़ता है, कैल्शियम चढ़ता है। अब वो गाय अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसकी तबीयत ज्यादा डाउन है, क्योंकि हफ्ता हो गया इलाज करते करते 900-1100 रुपए तो उसकी फीस है डॉक्टर की। अब मेरे पास पैसा ना, 4 दिन से मैंने दवाई रोक दिया है, तो उसको ग्लूकोज चढ़वाना था, इसीलिए मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ेगी। गाय दूध नहीं है उसके नीचे, थन देख लिया आपने खराब है, मगर कम से अपनी जिंदगी जीत लेगी, बच जाएगी। कल इतनी है कि माता जी देखभाल नहीं कर पाएंगे, गाय खत्म हो गई दोस्तों, दूध पिलाना बिल्कुल दोस्तों ये नहीं चाहिए मुझे बेटा। गाय पनीर नमक रोटी जो से भगवान दे रहे ना होगी ना, घूम के तो चल जाएगी, बस मारे ये सब क्यों नहीं दोस्तों। कोई गौशाला में भूसा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे, गाय देना चाहे, देना चाहे,
तो प्लीज आप हमें संपर्क कर यहाँ आ सकते हैं, माता जी का नंबर दे दूंगा मैं, आप इनसे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आप माता जी का आशीर्वाद हमारे पास है ही, हम चाहते हैं सारे 110 करोड़ हिंदुओं का आशीर्वाद हमें मिले और इस संगठन को हम इतना ग्रो करें ताकि कोई भी ऐसा हिंदू परिवार, कोई भी ऐसा परिवार ना रहे जिसको मदद चाहिए हो और उसको मदद मिल नहीं रही हो। तो हम चाहते हैं कि सबको मदद मिले, ऐसे ऐसे खूबसूरत से बाथरूम सबके ऐसे यहाँ बने और इन गौशालाओं का मेंटेनेंस हो और लोगों को जो 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 जरूरतमंद परिवार है उन तक हम पहुंचे। और दोस्तों अगर हम ऐसा कर पाए तो इस देश में जो हिंदुओं में जो डिवीजन हो रहा है, जो डिवीजन करवाया जा रहा है, वो डिवीजन खत्म होएगा, हिंदू इकट्ठा होएगा, हिंदू संगठित होएगा और संगठित हिंदू दोस्तों एक ऐसी शक्ति बनेगी, ऐसी शक्ति उभर के निकलेगी इस देश में कि हम जो चाहें जैसा चाहें अपने देश में हम कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं को सिक्योर कर सकते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को सिक्योर कर सकते हैं, किसी दुनिया में किसी भी ऐसी ताकत की हिम्मत नहीं होगी कि हिंदुओं को परेशान करे, प्रताड़ित करे, उनको जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट करें या उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें करें जो दोस्तों नहीं होनी चाहिए। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम, डिटेल्स ऑफ अवर अकाउंट इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, मेरा नंबर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप सहयोग करेंगे तभी हमारा संगठन ग्रो होएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।